So hello guys, welcome to Let's Crack UPSC CSE. This is Anirudh Malik. I welcome you all on an academy, India's largest online learning platform. So hello guys, hello to all. Kaise ho? So guys, today we are going to start next chapter of GC Leong, जिसके बारे में आज हम बात करेंगे. Landforms made by coastal, जो हमारे कोस्टल एरियाज में जो लैंडफॉर्म्स बनते हैं उसके बारे में हम बात करेंगे. बेसिकली जो एजेंट्स हैं, जैसे आपके वेव्स, टाइड्स, करंट्स, इनमें बात करेंगे कौन सा लैंडफॉर्म, कौन सा करैक्टर आपका ओशियन का वेव्स में से या आपका करंट है उसमें से कौन डिपोजिशनल वर्क करता है, कौन इरोजनल लैंडफॉर्म्स क्रिएट करता है, उसके बारे में डिटेल में हम समझने की कोशिश करेंगे. ठीक है गाइस, तो आज का जो लेक्चर है इम्पॉर्टेंट है. यूपीएससी प्रीवियस ईयर से आप क्वेश्चन चेक करेंगे तो बहुत सारे क्वेश्चंस यहां से मिल जाएंगे और आप चीजों को देखते चलेंगे तो धीरे धीरे आपको पॉइंट टू पॉइंट चीजें समझना आना स्टार्ट हो जाएगी. गुड मॉर्निंग टू ऑल गाइज, गुड मॉर्निंग, हाय, नाउ आई एम फिट, थोड़ा सा सही हूँ. ओके, तो अगर मैं बात करें, हमारा जो टॉपिक है वो आज का हमारा लैंडफॉर्म्स है, कोस्टल लैंडफॉर्म्स, उनका कैसे बनना, वो सारी चीजों को हम कवर करेंगे एक एक करके. ठीक है, कौन कौन से एजेंट्स है जो उसका फॉर्मेशन करते हैं, ये सारे पॉइंट्स डिस्कस करेंगे वन बाय वन. ठीक है गाइस, सो बिफोर स्टार्टिंग ए टॉपिक, अगर मैं बात करूं अपने बारे में, दिस इज अनिरुद्ध मलिक, आई डन माई बी टेक फ्रॉम यूपीटीयू एंड आई हैव टीचिंग एक्सपीरियंस ऑफ मोर देन 4 years एंड आई टॉट एंड मेंटर मोर देन 20,000 ऑफ स्टूडेंट. एंड गाइज, अगर मैं बात करूं अन अकेडमी सब्सक्रिप्शन के बारे में, उसके बेनिफिट्स के बारे में, क्या क्या आपको बेनिफिट्स मिलेंगे, डेली लाइव क्लासेस होगी, लाइव टेस्ट क्विज होगा, पूरा कोर्स स्ट्रक्चर्ड वे में अनलिमिटेड एक्सेस होगी, जब तक कंसेप्ट क्लियर नहीं होते अगेन एंड अगेन चीजों को देख सकते हो. इंडिया के टॉप 80 प्लस एजुकेटर अंडर दिस प्लेटफॉर्म आपको मिलेंगे. और गाइज, एज यू ऑल नो, ऑफलाइन क्लासेस सब ऑफ है और जितनी भी बेस्ट फैकल्टीज है ऑफलाइन क्लासेस की, नाउ दे आर ऑन अनअकैडमी, टाइप हो चुका है और आपके फ्यूचर के लिए बहुत ही अच्छी क्वालिटी के एजुकेटर्स अवेलेबल है अनअकैडमी पर. अगर मैं बात करूं, वर्ल्ड के टॉपेस्ट एजुकेटर्स यहां पर अवेलेबल है. कोर्सेज की बात करूं गाइस, सारा कोर्स कवर होगा. अगर मैं बात करूं प्रीलिम से लेके अप टू द इंटरव्यू पॉइंट ऑफ व्यू, आपकी एक एक चीज, एक एक टॉपिक इसके अंदर कवर होने वाला है. हिस्ट्री, करंट अफेयर, ज्योग्राफी, ऑप्शनल, सी सेट, कंपल्सरी, एवरीथिंग विल बी कवर्ड इन दिस कोर्स. अगर कोर्स की बात करें, ओशनोग्राफी अलग होगी, क्लाइमेटोलॉजी, इंडियन ज्योग्राफी, वर्ल्ड ज्योग्राफी, फिजिकल ज्योग्राफी, इस तरह आपको एक सेपरेट प्लेलिस्ट मिलेगा गाइज, अगर मैं बात करूं. और अगर हम बात करें अन अकेडमी का जो आइकनिक सब्सक्रिप्शन है उसके बारे में, किसके बेनिफिट्स क्या क्या है, क्या क्या आपको एडवांटेजेस मिलेंगी, ये 4 एक्स्ट्रा एडवांटेजेस मिलेगी आइकनिक सब्सक्रिप्शन में जो प्लस से थोड़ा आगे है. अगर मैं बात करूं, आपको पर्सनल कोच मिलेगा, पर्सनल गाइडेंस मिलेगी जो प्रिपरेशन में आपकी हेल्प करेगी, डेली मेंस आंसर राइटिंग प्रैक्टिस होगी, प्रॉपर स्टडी प्लानर मिलेगा आपको और पर्सनलाइज फीडबैक मिलेगी, ताकि आप चीजों को किस वे में पढ़ रहे हैं, किस तरह पढ़ना है. आंसर राइटिंग इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर यूपीएससी, वो आपकी होगी और पर्सनल कोच मिलेगा जो आपको गाइडेंस करेगा कि आपको क्या चीजें पढ़नी है, क्या नहीं पढ़नी, कौन से रिसोर्सेज को कवर करना है, किस रिसोर्सेज में कितना पार्ट कवर करना है उसके बारे में. अगर हम बात करें गाइज अनअकैडमी के 1 year की सब्सक्रिप्शन की, तो 64,000 है फॉर 1 year. अगर आप AM10 कोड यूज करते हैं तो यू विल गेट इंस्टेंट 10% डिस्काउंट, आपकी फीस हो जाएगी 57,600. फॉर 2 year अन अकेडमी सब्सक्रिप्शन जिसकी फीस है 99,000, AM10 कोड यूज करते हैं तो आपकी फीस हो जाएगी 89,100. ओके गाइज, अगर मैं बात करूं आपको अन अकेडमी का जो प्लस सब्सक्रिप्शन है उसके एडवांटेजेस के बारे में बात करूं, सेम एडवांटेजेस हैं, पूरा कोर्स मिलेगा, बस 2-3 चीजें जो मैंने एक्स्ट्रा आपके आइकनिक सब्सक्रिप्शन में बताई थी वो अवेलेबल नहीं होंगी, बट इसकी फीस बहुत ही नॉमिनल है, ओनली 44,000. अगर मैं बात करूं ऑफलाइन क्लासेस की, तो गाइज ऑफलाइन की मिनिमम फीस 2 lakh होती है इंक्लूडिंग ऑप्शनल, बट अन अकेडमी चार्जिंग ओनली 44,000. आप उसमें कैपिटल AM10 कोड यूज करते हैं तो आपको 10% का डिस्काउंट मिलेगा, फीस हो जाएगी 39,600. फॉर 2 year अन अकेडमी सब्सक्रिप्शन आपकी फीस होगी 64,000. अगेन आप AM10 कोड यूज करोगे तो आपको 10% का डिस्काउंट मिलेगा, फीस होगी 57,600. सो गाइज, दिस इज द बेस्ट टाइम आपके लिए. 2021 का नोटिफिकेशन आ गया है, 9 months के अप्रोक्स बचते हैं. अगर आप एक स्ट्रक्चर्ड और सिक्वेंशियल मैनर में प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो इस टाइम अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन से बेस्ट
कुछ भी नहीं है। मैं अपनी चीजें अपने एंड से पूरी तरह कंप्लीट करवाने की कोशिश कर रहा हूँ ताकि आप लोग जो एफर्ट भी नहीं कर सकते वो चीज कर सके। पर अगर मेरे अकॉर्डिंग आप चीजों को एफोर्ड कर सकते हो, चीजों को परचेज कर सकते हो, तो दिस इज द बेस्ट प्लेटफॉर्म फॉर यूपीएससी प्रिपरेशन। ट्रस्ट मी, बहुत ही सिक्वेंशियल और सब चीजों के साथ मिलेगा। अगर आप मेरा कोड यूज करते हो AM10, तो एज अ गाइड, एज अ मेंटर, मैं आपकी प्रिपरेशन में बहुत हेल्प करने वाला हूँ। और मेरे कोड से मेरे ही नहीं, लेट्स क्रैक यूपीएससी सीएससी कैटेगरी की सारी फैकल्टीज की आप क्लासेस कर सकते हैं। नाउ वी आर मूविंग ऑन न्यू टॉपिक, जो कि हमारा है कोस्टल लैंडफॉर्म्स। उसके बारे में हम स्टार्ट करने वाले हैं। कोस्टल लैंडफॉर्म्स गाइस, कोस्टल लैंडफॉर्म्स वो होते हैं जो आपके कोस्टल एरियाज पे बनते हैं, उन्हें हम कोस्टल लैंडफॉर्म्स कहते हैं। और उन्हीं कोस्टल लैंडफॉर्म्स को हम एक एक करके डिस्कस करने वाले हैं बहुत अच्छे से। फटाफट सब लोग एक बार लाइक और शेयर कर दीजिए चीजों को, देन हम स्टार्ट करते हैं। बेसिकली अगर मैं बात करूं, हमारा वे ऑफ स्टडिंग वही रहेगा जिस अकॉर्डिंग हम चीजों को पढ़ते हैं। तो सबसे पहले जो आपको नोट डाउन करने वाली बात है, आपसे क्वेश्चन बन सकता है कोस्टल लैंडफॉर्म्स किस किस तरीके से बन सकते हैं। तो जो हमारा कोस्टल लैंडफॉर्म्स बनता है गाइस, वो हमारे तीन फीचर से बनता है। नंबर वन वेव्स, नंबर टू टाइड्स एंड नंबर थ्री करंट्स, जो हमारे ओशियन करंट्स होते हैं। हमेशा याद रखना, क्वेश्चन ये नहीं बनेगा किससे बनता है, क्वेश्चन ये बनेगा मैक्सिमम जो हमारा कोस्टल लैंडफॉर्म है वो किससे बनता है। तो वो बनता है वेव एक्शन से। जो हमारी वेव एक्शन होती है, जो हमारी वेव्स मूव होती हैं ओशियन में, और वो मैक्सिमम हमारे लैंडफॉर्म्स को बनाती है। अब आपको बोलोगे कि इस ये तो हमारा फॉर्मेशन कर रहा है, अब उसके बाद हमारा क्या होता है, जो टाइड्स होती हैं ये इरोजनल लैंडफॉर्म्स बनाती है, ये इरोजनल लैंडफॉर्म्स बनाती हैं जो टाइड्स होती हैं हमारे, और जो करंट्स होते हैं वो डिपोजिशनल लैंडफॉर्म्स बनाते हैं। ये पॉइंट याद रखना, ये हर एक के एप्लीकेबल नहीं है, पर मैक्सिमम उसमें आपका यही होगा। जो वेव्स होंगी वो आपका सबसे ज्यादा लैंडफॉर्म्स का क्रिएशन जो कोस्टल का होगा वो वेव्स के थ्रू होगा। टाइड्स है वो इरोजनल फंक्शन करती है, और जो करंट्स है ओशियन करंट्स है वो डिपोजिशनल फीचर्स करते हैं हमारे कोस्टल लैंडफॉर्म्स पर। ये तीन इंपॉर्टेंट चीजें आपको याद रखनी है, और तीनों बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके यूपीएससी पॉइंट ऑफ व्यू से। समझ में आ गया? तो ठीक है, आपका कोस्टल लैंडफॉर्म्स के बारे में हमने बात कर ली। अब हम एक एक करके चीजों को समझने की कोशिश करते हैं किस तरह हमारी चीजें होंगी। देखिए गाइस, जो कोस्टल लैंडफॉर्म्स है ना, वो वेव्स बनाती है। पर वेव्स का मूवमेंट कब होगा? जब ओशियन है, ओशियन में जो वाटर है उसमें वेव्स चल रही है, उसका मूवमेंट कब होगा? विदाउट विंड इट इज पॉसिबल। आपको लगता है वो विंड ही तो है जो वेव को और या ओशियन वाटर को मूव करने पे मजबूर करती है। सो जो विंड है ना और जो टाइड है, वो आपकी देखिए क्या होता है, वेव्स तो हमेशा किस रीजन से चलेगी ये आपको पता है, विंड आएगी वेव्स का मूवमेंट होगा। और टाइड्स के बारे में मैं बता चुका हूं कि जो हमारा मून है और जो सन है, इसका जो ग्रेविटेशनल पुल होता है दोनों का, ये आपकी टाइड्स का फॉर्मेशन करता है। ठीक है, ये आपकी टाइड्स का फॉर्मेशन करता है। और गाइस, आपको पता होना चाहिए कि जिस एरिया में आपका टेम्परेचर हर एक जगह पे सेम नहीं होता, ओशियन सरफेस पे कहीं का टेम्परेचर ज्यादा होता है, कहीं पर कम होता है, कहीं विंड ज्यादा होती है, इनके बीच में जो डेंसिटी डिफरेंट होता है वो एरिया टू एरिया वेरी करता है कोस्टल लैंडफॉर्म्स में। समझ रहे हो? वेव्स किस वजह से चलती है? विंड के एक्शन से। टाइड्स किस वजह से बनती है? ग्रेविटेशनल पुल और पुश, पुल ऑफ सन और मून से। और आपका जो करंट्स है और जो टाइड्स है, ये आपकी हर जगह सेम स्पीड से नहीं चलेगी। विंड और टेम्परेचर भी हर कोस्टल एरिया का सेम नहीं रहेगा। ये पॉइंट हमारा डिस्कस करने वाला था पॉइंट। अब हम बात करते हैं मैरीन इरोजन, मतलब कोस्टल एरियाज पर जो इरोजन होता है उससे जो लैंडफॉर्म्स बनते हैं उसके बारे में हम बात करेंगे। ठीक है, ये आपका इंपॉर्टेंट हो जाता है। ओके, तो हम बात कर रहे हैं मैरीन इरोजन के बारे में। द मोस्ट पावरफुल एजेंट ऑफ मैरीन इरोजन आर वेव्स। मैंने क्या बताया, सबसे ज्यादा जो इरोजन करता है गाइस, वो आपकी वेव्स करती है। मोस्ट पावरफुल एजेंट है इरोजन का वेव्स, जो कि आपकी कब मूव होती है, जब विंड मूव होती है, तो विंड अपने साथ सरफेस पे वाटर लेके आती है। देखिए, ये मेरा आपका कोस्टल एरियाज है, यहां से वेव आई और वेव को कौन लेके आया, विंड।
जब विंड वेव को लेके आएगी तो यहाँ पर कोस्टल एरियाज पर जो वाटर सरफेस लेके आएगी, और जब वाटर सरफेस लेके आएगी तो वो क्या करेगी, अनडल्टिंग अलग अलग एरिया में अलग अलग तरीके से इरोजन करेगी। वो हमारा क्या होता है, मैरीन इरोजन होता है, जो वेव्स की हेल्प से होता है। अब किस तरह होता है ये चीजें आप देख लीजिए, मैं और कुछ समझाने की अगर मैं बात करूं, ये सिंपल सा है मैकेनिज्म क्या है मैरीन इरोजन का। देखिए गाइस क्या होता है, ये आपका ओशियन फ्लोर है नीचे का, और इसके ऊपर क्या हो रही है, आपकी वेव्स मूव हो रही है, और वेव्स हमेशा उस डायरेक्शन में मूव होंगी जिस डायरेक्शन में विंड चलेगी। अब क्या होता है, जैसे जैसे आपका डीप सी होता है वहां पर तो आप देखोगे कि वेव्स का जो मूवमेंट है, सर्कुलर मूवमेंट है, वो अपना पूरा सर्कुलर मूवमेंट करते हुए आगे बढ़ेगी। वेव इस तरह आगे बढ़ रही है तो ये सर्कुलर मूवमेंट करते हुए आगे बढ़ती है, आपको पता है वेव्स। तो जो डीप सी होता है तो डीप सी में तो इसे पूरा एरिया मिल जाता है सर्कुलर मूवमेंट करने का, बट जैसे ही ये कोस्ट के पास आती है, आपका इसे मूवमेंट का पूरा एरिया नहीं मिलता। क्या होता है गाइस, इसे मूवमेंट का पूरा एरिया नहीं मिलता जैसे ही कोस्ट के पास आती है। ये चीज आपको समझने की है, यही चीज आपकी मेंशन है, ठीक है, ओके। अगर आप देखेंगे तो चीजों को मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा। ऑन अप्रोचिंग सोलो वाटर, जैसे जैसे विंड मूव करते हुए जहां पर वाटर लेवल कम होता है उसकी स्पीड कम हो जाती है, और उसकी स्पीड कम हो जाती है तो उसमें रिफ्रैक्टेड अगेंस्ट द अलाइनमेंट ऑफ कोस्ट, कोस्ट का जो अलाइनमेंट है वहां पर रिफ्रैक्शन करना स्टार्ट कर देता है, जिसकी उससे हाइट उसकी कम हो जाती है। तो क्या होता है कि जो उसका फॉरवर्ड मूवमेंट है ना वो ब्रेक हो जाता है, जो उसका फॉरवर्ड मूवमेंट है वो ब्रेक हो जाता है, किसका, विंड का। क्यों, क्योंकि जैसे जैसे वो आगे की तरफ कोस्टल एरिया पे जाएगी उसे पूरा एरिया नहीं मिलेगा अपने रोटेशन करने के लिए, अपनी वेव को कर्ल करने के लिए, तो वो आपकी ब्रेक हो जाती है जैसे जैसे सोल लाइन के पास पहुंचती है, ये पॉइंट रखना। और जैसे ही वाटर रश करेगा फाइनली, ठीक है, क्या होगा, जैसे ही वाटर रश करता है कहां पर, आपका कोस्ट पर, यहां पर देखिए, जैसे ही वाटर रश करेगा कोस्ट पर तो यहां पर ये डेब्रिस को डिपॉजिट कर देगा, सेडिमेंट को डिपॉजिट कर देगा, उसे कहते हैं स्वैश, उसे कहते हैं स्वैश। जैसे ही वाटर यहां पर आपके विंड के साथ आएगा और आगे की तरफ नहीं जा पाएगी जो वेव है, तो यहां पर वो आपका डिपॉजिट हो जाएगा, उसे कहेंगे स्वैश, क्लियर है, ओके। उसके बाद क्या होगा, उसके बाद वाटर वापिस आता है, वाटर वापिस आता है स्ट्रक बैक करके, उसे हम कहते हैं बैकवॉश। जैसे हमारा वाटर वापिस आ रहा है ये देखिए हिट करके, इसे कहेंगे बैकवॉश। समझ में आ रहा है पॉइंट, बताइए ये वाला, बैकवॉश और स्वैश का मतलब समझ में आ रहा है। जब वाटर हिट करेगा वो तो स्वैश होगा, और जब वाटर बैक करेगा उसे बैकवॉश कहेंगे, ठीक है। और उसके बाद क्या होता है, एक चीज होती है अंडरटो, अंडरटो, अंडरटो क्या होती है, जैसे ही अगर आप देखेंगे ये कोस्टल एरिया है, आप यहाँ पे खड़े हो तो आप जब देखोगे कि जो वाटर आपका ऊपर की तरफ आया फिर बैकवॉश किया, तो बैकवॉश जाने के बाद वाटर अपर आप लैंड की तरफ होंगे ना, तो वाटर अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, अपनी तरफ पुलिंग इफेक्ट लगाएगा, और उसी पुलिंग इफेक्ट को हम कहते हैं अंडरटो। आपने देखा होगा जब हमेशा हम कहते हैं कि जब भी वेव्स ऊपर की तरफ आए, जब वो वापिस जाती है ना तो आपका क्या करती हुई जाती है, एक प्रेशर को, पुलिंग इफेक्ट को एग्जर्ट करती हुई जाती है, उस पुलिंग इफेक्ट को जो एग्जर्ट करती हुई जाएगी उसे कहेंगे अंडरटो। द करंट एग्जर्ट द पुलिंग इफेक्ट विच कैन बी डेंजरस टू सी वाटर्स। जो आपने देखा होगा सी के पास लोग आपके रहते हैं, जब वेव ऊपर की तरफ वापस बैक सोर करेगी ना, बैकवॉश करेगी, तो उसमें अंडरटो होता है ड्यू टू पुलिंग इफेक्ट। और हमेशा याद रखना कि ये बहुत ही आपके लिए, सी बाथर्स के लिए हमेशा जब भी बैक वॉश हो तो वहां पर अंडरटो होता है, उस टाइम में आपको कोस्ट के उस वाले एरिया से अवे रहना चाहिए, अदरवाइज वो आपको अपने साथ बहा के ले जाएगी, ये चीज होती है। अंडरटो में क्या होता है, अंडरटो में क्या होता है, अगर आप नोटिस करेंगे, ये मेरी वेव्स है, वेव्स एक बार ऊपर गई उसे स्वैश कहेंगे, वो अपने साथ डेब्रिस लेके आई, कलेक्ट कर दिया, फिर वो बैकवाटर करती है, वेव वापस जाती है। तो जब वेव वापस जाती है ना, तो वापस जाने में जब रोटेशन होता है उसका, तो वो एक पुलिंग इफेक्ट लाती है,
पुलिंग इफेक्ट लाने से वो अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है दोबारे सी सरफेस के अंदर की तरफ, और उसी को कहते हैं अंडरटो। उसी चीज को अंडरटो कहते हैं जब वो पुलिंग इफेक्ट लगाती है अपनी तरफ अट्रैक्ट करने के लिए ओशियन सरफेस, उसे पुलिंग इफेक्ट कहते हैं। उस टाइम पर हमें उस एरिया से दूर रहना चाहिए, अदरवाइज वो हमें अपनी तरफ पुल करके हमें ओशियन और सी वाटर की तरफ एग्जर्ट कर लेगा, जो कि अंडरटो के थ्रू होता है। नाउ क्लियर, समझ में आ गया अंडरटो के बारे में? ये चीज आपने नोटिस भी की होंगी, अंडरटो वाला इंसिडेंट। अब हम बात करते हैं जो इरोजन होते हैं आपके कोस्टल लैंडफॉर्म्स पर उसके बारे में। सबसे पहले हम बात करते हैं कोरोजन, जो कोरोजन होता है और इसे अबर्शन भी कहते हैं, इसे अबर्शन भी कहते हैं कोरोजन को, याद रखना ये वाला पॉइंट। क्या चीज होती है समझने की कोशिश करना, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। जब आपका वेव्स किसी भी रॉक के पार्टिकल को चेंज करता है, जब आपकी वेव, देखिए यहां पर समझने की कोशिश कीजिएगा, यहां पर ये क्या हो रहा है, ये वेव्स है ना आपका किसी भी रॉक पार्टिकल को यहां पर ये क्या कर रही है, कोरोजन और अवर्शन कर रही है, उसे इरोड कर रही है, यहां पर बार बार हिट कर रही है, तो क्या हो रहा है, इरोजन हो रहा है। तो जब भी वेव्स आपकी रॉक डेब्रिस को, वो चाहे किसी भी साइज का हो किसी भी शेप का हो, उसके बेस को इरोड करती जा रही है, तो उसे कहते हैं कोरोजन और एबर्शन। ठीक है, ये आपका होता है सी में होता है, जब कमिंग करंट और टाइड आती है वो क्या करती है, आपके उस इरोडिंग मटेरियल को दोबारा वापस सी में लेके आ जाती है। ठीक है, क्या हुआ, देखिए क्या चीज हुई, ये चीज समझने की कोशिश करना। ये मेरी वेव्स ने क्या किया, यहां पर हिट कर करके यहां पर इसका इरोजन करना स्टार्ट कर दिया। बट क्या होता है, ये तो मेरी वेव्स ने किया, बट जो टाइड्स होती हैं, लो टाइड्स और हाई टाइड्स, और जो ओशियन करंट्स होते हैं, वो जो यहां पर ये इरोजन किया था डेब्रिस था, उसे दोबारा वापस सी में लेके आ जाती है, उसे कहते हैं एबर्शन और करोजन। समझे, एबर्शन और करोजन क्या हो गया आपका, जब मेरी जो वेव्स है वो बार बार इरोड करती जा रही है, उसके बाद टाइड्स और करंट उसे वापस लेके आ रहे हैं। अब बात करते हैं एट्रिशन क्या होता है, पहले भी बता चुका हूं, एट्रिशन में कुछ नहीं होता, जैसे वेव्स मूव करती है तो अपने साथ छोटे छोटे बोल्डर्स पीबल्स लेके आती है, और जब पीबल्स लेके आती है तो वेव्स इस तरह मूव करती जा रही है, तो वो क्या करेगी, उसके मूवमेंट से जो बड़े बड़े पीबल्स और बोल्डर्स है उन्हें छोटे छोटे पीसीज में कन्वर्ट कर देगी, और फाइन सैंड की शेप में क्या कर देगी, छोटे छोटे पीसीज में कन्वर्ट कर देगी, उनका ग्राइंडिंग कर देगी, उनकी पॉलिशिंग कर देगी, और उन्हें छोटे छोटे उसमें कन्वर्ट करके यहाँ पर बीचेस की तरफ कलेक्ट कर देगी, उसे एट्रिशन कहते हैं। कब, कौन कर रहा है, वेव्स कर रहा है ये वाला एक्शन। जो वेव्स होती है ना जब वो मूव करती है तो उसमें स्टोन्स होते हैं, पीबल्स होते हैं, बोल्डर्स होते हैं, जब वो मूव करती रहेगी तो उनके क्रशिंग पॉलिशिंग कर करके उन्हें छोटे छोटे सैंड्स में और छोटे छोटे स्टोन्स में कन्वर्ट कर देगी, जो बीचेस पे कलेक्ट हो जाते हैं, उसे एट्रिशन कहते हैं। अब बात करते हैं हाइड्रोलिक एक्शन, हम बात कर रहे हैं इरोजन की, तो हमारे जो इरोजन है ये हमने कवर कर चुके हैं। ठीक है, अब हम डिस्कस करेंगे आपका हाइड्रोलिक एक्शन से कैसे इरोजन होता है। देखिए गाइस क्या होता है, कुछ नहीं समझना, एक सिंपल सा पॉइंट है, क्या होता है कि आपकी जो रॉक्स होती है ना, इन रॉक्स में क्रैक्स आ जाते हैं, और इन क्रैक्स के अंदर एयर डिपॉजिट हो जाती है, और जब एयर डिपॉजिट हो जाती है तो क्या होता है कि यहां से इधर से वाटर का प्रेशर लगता है, और पहले से जो एयर होती है उनके ऊपर वाटर का प्रेशर हिट करता है, और एकदम ब्लो साउंड आती है, क्या आती है, ब्लो साउंड आती है, और जो आपकी रॉक्स है ये क्रैक होना स्टार्ट हो जाती है, इरोड होना स्टार्ट हो जाती है, इसे कहते हैं हाइड्रोलिक एक्शन। ठीक है, क्या लिखा है, जब वेव्स है हमारी वो स्प्लैशिंग करती है कोस्ट पर, तो जो जॉइंट्स होते हैं ना उसमें जो वाटर होता है, पहले तो उस जॉइंट्स में एयर होती है, उस जॉइंट्स के अंदर एयर होती है, पर वो एयर कंप्रेस्ड होती है, उसके बाद जैसे ही आपका जो वाटर है वो हिट करता है वहां पर एक एक्सप्लोसिव वॉयलेंस की आवाज आती है, ब्लो साउंड आती है, और वो अगेन एंड अगेन आती रहती है जैसे जैसे वाटर हिट करता रहता है, और जो वहां के क्रैक्स है
और जो वहां के रॉक्स हैं वो एनलार्ज होते रहते हैं, और एनलार्ज हो के उनका इरोजन होता रहता है, उसे कहते हैं हाइड्रोलिक एक्शन, उसे कहते हैं हाइड्रोलिक एक्शन। समझ में आया गाइस हाइड्रोलिक एक्शन क्या होता है? हाइड्रोलिक एक्शन जहां पर आपकी कोस्ट पर रॉक होगी उसमें आपका क्रैक्स होंगे, उस क्रैक्स में आपकी क्या होगी, एयर होगी, और वो अच्छे खासे प्रेशर से कंप्रेस्ड होगी। सडनली वाटर आएगा, हिट करेगा उन क्रैक्स पे, जैसे हिट करेगा वहां पर एक ब्लो साउंड आएगी, एक्सप्लोसिव वॉइस, और वो क्रैक्स धीरे धीरे वाइडन होते चले जाएंगे और आपका इरोजनल एक्शन होता चला जाएगा। क्लियर है हाइड्रोलिक एक्शन? अब बात करते हैं सॉल्वेंट एक्शन। जो सॉल्वेंट एक्शन वाली, जो इरोजन वाली ये कोस्टल होती है, ये बेसिकली उन एरिया में होती है जहां पर लाइमस्टोन, आपके कोस्टल एरिया पे लाइमस्टोन वाला एरिया हो, ठीक है। यहाँ पे क्या होता है कि जो लाइमस्टोन होता है ना, कैल्शियम कार्बोनेट CO3, तो वो आपका क्या करता है, सी वाटर के साथ मिलके सॉल्वेंट एक्शन करता है, और सॉल्वेंट एक्शन करने के साथ इस तरह का कोस्टल लैंडफॉर्म्स बना देता है जिसे हम क्रास्ट टोपोग्राफी कहते हैं, जिसे कास्ट टोपोग्राफी कहते हैं। ये कोस्टल एरिया पे सॉल्वेंट एक्शन से मिलता है जब आपकी वेव्स कैल्शियम कार्बोनेट के साथ रिएक्ट करती है। समझ में आ गया? जिस स्टूडेंट ने प्रीवियस क्लास देखी होगी उन्हें कोई इश्यू नहीं आ रहा होगा, चीजें समझ में आ रही होंगी। नए स्टूडेंट को भी चीजें समझ रहे होंगे, बट थोड़ा सा अगर इश्यू है तो एक बार प्रीवियस लेक्चर देख लीजिए, सारे कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे। समझ रहे हो गाइस? बताइए यहां तक जो मैंने सॉल्वेंट एक्शन के बारे में बात बताया, बताइए किसी को कोई डाउट यहां पर किसी भी तरीके का? गुड मॉर्निंग टॉयज, गुड मॉर्निंग टू ऑल। बताइए किसी को किसी भी तरीके का कहीं पर भी कोई डाउट हो, पॉइंट समझ ना आया हो जो मैंने अभी तक कवर किया, कि जो आपके सॉल्वेंट एक्शन हो गया, हाइड्रोलिक एक्शन हो गया, उसके बाद एट्रिशन हो गया, कोरेजन एंड अबर्शन हो गया, इनके बारे में हमने डिस्कस किया। क्लियर है? सारे चीजें समझ में आ गई? हाँ सुमन, ये बात याद रखना कि टाइड्स और करंट्स ही उसे दोबारा वापिस सी में लेके आ रहे हैं। वेव्स क्या कर रही है? वेव्स तो इरोड कर रही है। मैंने बताया था ना कि डिपोजिशनल फीचर हमेशा करंट और टाइड्स ही करेंगे, इरोजनल भी करेंगे पर करंट हमेशा डिपोजिशनल ही करेगा, और जो मैक्सिमम इरोजन फीचर होगा वो वेव करेगी। समझ में आ रहा है आपको? क्लियर है? ये हमारा इसके बारे में हो गया। अब हम आते हैं आगे की तरफ। जो हमारे कोस्टल फीचर्स हैं उसमें केप्स और बेस बनते हैं। आपने मूवी भी देखी होगी, बेस, बेस, केप्स, बे की एक मूवी भी आई थी, ठीक है, हॉलीवुड मूवी है। अगर हम बात करें केप्स और बेस क्या होते हैं, कुछ नहीं होता, समझने की कोशिश करना, बाद में दिखाएंगे इमेजेस को, पहले हम अपनी आर्टिस्ट बना तो दिखा दे थोड़ा सा। ओके, सही लग रही है? हार्ड सॉफ्ट, हार्ड सॉफ्ट, कोस्टल एरिया, सी एरिया, वेव्स आनी स्टार्ट हुई, यहां से वेव्स आनी स्टार्ट हुई। तो क्या होगा, जो ये हार्ड रॉक है इनका तो इरोजन होगा नहीं, पर क्या होगा गाइस, इस सॉफ्ट रॉक का इरोजन होगा। हार्ड का तो इरोजन होगा नहीं, इस सॉफ्ट रॉक का इरोजन होगा। समझने की कोशिश करना, क्या होगा, इस हार्ड रॉक का तो इरोजन होगा नहीं, इस सॉफ्ट रॉक का इरोजन होगा अंदर की तरफ। तो क्या होता है जब सॉफ्ट रॉक का इरोजन बनने के बाद एक इनलेट टाइप में बन जाता है, इरोजन होके, उसे कहते हैं इनलेट। जब सॉफ्ट रॉक का इरोजन होता चला जाता है तो उसे कहते हैं इनलेट, और जब ये इनलेट बड़ा बन जाता है इरोजन होके, उसे कहते हैं बेस, ठीक है, उसे हम क्या कहते हैं, बेस कहते हैं। हार्ड और सॉफ्ट रॉक है आपकी, यहां पर ये मेरी हार्ड है, ये सॉफ्ट है, हार्ड सॉफ्ट, इरोजन हुआ, क्या हो गया, यहां पर नोटिस करने की कोशिश करना, जो मेरी ये वाला एरिया है, देखिए ये हार्ड है, सॉफ्ट है, हार्ड है, सॉफ्ट है, यहां से वेव्स ने इरोजन किया, तो क्या चीज नोटिस करोगे कि जो मेरा एरिया है हार्ड रॉक का वो इरोड नहीं होगा, कम होगा, ये हार्ड, तो यहाँ की तरफ ये इनलेट बन जाएगा इरोजन होने से,
इसे कहते हैं इनलेट, और जब ये इनलेट बड़ा हो जाएगा इसे हम कहेंगे बे। जब ये इनलेट बड़ा हो जाएगा उसे कहेंगे बे। क्लियर है? बताइए यहां तक बेज और इनलेट के बारे में समझ में आ गया हो तो ठीक है, याद है। और एक पॉइंट और याद रखना, जो ये हार्ड रॉक के आगे का जो एरिया होगा इसे हम कहते हैं केप, इसे हम कहते हैं केप, समझ में आ गया। और इसे इनलेट कहेंगे, और जब ये इनलेट बड़ा हो जाएगा इसे बे कहेंगे। समझे गाइस, कहां पर हार्ड रॉक, कहां पर सॉफ्ट रॉक, कैसे बे और क्या बना? क्लियर है? तो यही पॉइंट है सिंपल सा। देखिए क्या बात कर रहे हैं हम, ऑन एक्सपोज्ड कोस्ट द कॉन्टिन एक्शन ऑफ वेव्स ऑन द रॉक्स वेरिंग रेजिस्टेंस, डिफरेंट डिफरेंट रेजिस्टेंस की है, कोई हार्ड है कोई सॉफ्ट है, तो जो उनका इरोजन होगा ना वो इरेगुलरली होगा, रेगुलर मैनर में नहीं होगा। और जो हार्ड रॉक है और सॉफ्ट रॉक है वो अल्टरनेट बेसिस पे होगी, ठीक है। सॉफ्टर रॉक होगी वो इजिली वॉर्न बैक होगी, इजिली इरोड होगी, तो वहां पर तो बनेंगे इनलेट और बेस, और जहां पर आपके हार्ड रॉक है वहां पर बनेंगे केप्स। किसके जो ऊपर का केप्स बन रहा है उसे हम केप्स कहेंगे, और जहां पर वन रॉक टाइप होगी वहां पर ये इरेगुलरिटी और ये बेसिस आपको कम देखने को मिलेगा। जहां पर सिर्फ हार्ड रॉक या सॉफ्ट रॉक होगी वहां पर ये वेरिएशन रॉक में आपको कम देखने को मिलेगा। समझ गए पॉइंट? अब बात कर लेते हैं क्लिफ एंड वेट का प्लेटफॉर्म, क्लिफ एंड वेव कट प्लेटफॉर्म क्या होता है। गाइस मुझे ये बताइए, मैंने अभी तक जितना जीसी लियोंग कवर करवा दिया, आपको सारा पॉइंट समझ में आ रहा है या किसी पॉइंट में किसी टॉपिक पर कोई डाउट है? ये बताइए मुझे, सारे पॉइंट समझ में आए हैं या किसी पॉइंट पर कहीं पर कोई डाउट क्रिएट हुआ आपको किसी भी तरीके का? किसी भी तरीके का कोई भी इश्यू कहीं पर भी? गल्फ इज लार्जर देन बे, गल्फ इज लार्जर देन बे, याद रखना हमेशा, गल्फ हमेशा बड़ा होता है बे से, ठीक है, गल्फ हमेशा बड़ा होता है बे से, ठीक है, ठीक है गाइस। तो ये चीजें हमारी हो गई। अब हम बात करते हैं क्लिफ और वेव एक्शन, ये किस तरह होता है। देखिए क्या हुआ, क्या होता है, कोई भी स्टीप रॉक है, एक स्टीप रॉक है, देखिए समझने की कोशिश करना, अगर मैं आपको बताने की कोशिश करूं, एक स्टीप रॉक है, क्या होगा यहां पर लो टाइड आएंगी, यहां पर क्या होगा, ये स्टीप रॉक है, इसमें क्या होगा, आपकी जो टाइड होती है वो दो तरीके की होती है, एक लो टाइड होती है एक हाई टाइड होती है, आपको पता है ये चीज। सो लो टाइड क्या करेगी, इसके नीचे वाले एरिया को इरोड कर पाएगी यहाँ तक, फिर क्या होता है जो हाई टाइड होती है वो इसके ऊपर वाले एरिया को भी इरोड करेगी, ऊपर वाले एरिया को भी इरोड करेगी हाई टाइड। तो क्या होता है, लो टाइड तो इरोड कर दिया यहाँ तक, बट जो हाई टाइड का इरोजन होगा ऊपर तक वो क्या करेगी, उसका जो सेडिमेंट्स है वो यहाँ पर लाकर डिपोजिट करना स्टार्ट कर देगी, वो यहां पर लाकर डिपोजिट करना स्टार्ट कर देगी। समझने की कोशिश करना, यहां पर हाई टाइड ने क्या हुआ, पहले लो टाइड आई, उसने इस जो रॉक है क्लिफ जो आपकी स्लैंटिंग रॉक है इसकी इरोजन किया, फिर हाई टाइड आई इसने ऊपर का इरोजन किया, और वो ऊपर का इरोजन यहां तक करता चला गया, ठीक है, ऊपर का इरोजन यहां तक करता चला गया, और यहां पर बन गई एक नॉच टाइप में, यहां पर एक नॉच टाइप में बन गई। क्लियर है, समझ में आ गया? और जो ये नीचे वाला एरिया है यहां पर, इसे हम कहेंगे ऑफशोर टेरेस, इस वाले एरिया को कहेंगे ऑफशोर टेरेस, जहां पर मटेरियल डिपॉजिट हुआ है, और जहां पर हाई टाइड ने इरोजन किया है उसे नॉच कहेंगे, उसे नॉच कहेंगे। फिर क्या होगा, जैसे जैसे हाई टाइड इरोजन करती चली जाएगी ना गाइस, तो आप एक चीज नोटिस करेंगे कि सिर्फ आपका एक वेव कट ये वाला प्लेटफॉर्म बसता है, और ये क्लिफ टाइप में बसती है, बाकी जो रिमेनिंग पार्ट है ना वो इरोड होके उसने नीचे की तरफ सारा सेडिमेंट्स को डिपोजिट कर दिया है, और इसी एरिया को हम कहते हैं वेव कट प्लेटफॉर्म, मतलब वेव ने एक कट करके एक प्लेटफॉर्म बना दिया है और वहां पर एक क्लिफ बची है। अब
समझ में आ गया? क्लियर है? बताइए। किसी को कोई डाउट यहां तक जो मैंने समझाया, अभी दोबारे समझा देता हूं, परेशान मत होना। देखिए क्या बात बोल रहा है, ये कुछ नहीं बोल रहा है, बोल रहा है कि एक स्टीप रॉक है, एक स्टीप रॉक है, ठीक है, उसका इरोजन होना स्टार्ट हुआ धीरे धीरे, फिर उसके बाद हाई टाइड आई, हाई टाइड ने और ऊपर तक इरोजन करना स्टार्ट किया, तो जो एक स्टैटिक लेयर की फॉर्म में इरोजन करना स्टार्ट कर दिया, इरोजन करना स्टार्ट कर दिया लेयर की फॉर्म में, फिर क्या होगा, जो आपका नीचे वाला एरिया है जो क्लिफ का, उसे तो लो टाइड इरोड करेगी, लो टाइड इरोड करेगी, और जो ऊपर वाला एरिया है उसे हाई टाइड करेगी, और जहां पर ऊपर वाले एरिया को हाई टाइड इरोड करेगी वहां पर एक नॉच बन जाएगी। क्या बन जाएगी गाइस? वहां पर एक नॉच बन जाएगी और वो सारा सेडिमेंट्स यहां पर डिपॉजिट होने लगेगा। फिर उसके बाद क्या होगा, ये हाई टाइड और इरोड कर करके इस प्लेटफॉर्म को यहां पर तो ये क्लिफ बना देगी ये वाला, और सारा इरोडेड मटेरियल यहां पर एक लेयर की फॉर्म में हो जाएगा, उसे कहेंगे वेव कट प्लेटफॉर्म। उसे क्या कहेंगे गाइस? वेव कट प्लेटफॉर्म, ठीक है। ये देखिए, ये वेव कट प्लेटफॉर्म का एग्जांपल है। यहां पर ये आपका नीचे से लो टाइड कर रही है, फिर हाई टाइड कर रही है, पहले यहां पर नॉच बना ली थी, फिर इरोड करके वो नॉच भी इरोड हो गई, सारा यहां पर सेडिमेंट डिपॉजिट हो गया, एक क्लिफ शेप में बन गया, और ये बना दिया उसने वेव कट प्लेटफॉर्म। क्या बना दिया? वेव कट प्लेटफॉर्म। समझ रहे हो इस पॉइंट को? ठीक है, वेव और आपका जो वेव कट प्लेटफॉर्म है, इसका फॉर्मेशन कैसे हुआ? थोड़ा सा अजीब, पता है क्या है, आप जब चीजों को खुद से पढ़ोगे ना जीसी लियोंग में, तो आपको थोड़ी बहुत चीजें और बेटर अंडरस्टैंडिंग होगी, ये मेरा प्रॉमिस है। अभी आपको चीजें लग रही हैं कि सर कैसे कटा, कैसे हुआ, जब आप चीजों को दो तीन बार रिविजन कर लोगे ना, तो आपके और अच्छे कंसेप्ट हो जाएंगे, और अच्छे से चीजें आप कवर कर सकोगे, और अच्छे से चीजों को समझ सकोगे, एक अंडरस्टैंडिंग लेवल बेटर हो जाएगा आपको, आपको फिर इतना कंफ्यूजन नहीं होगा कि वेव कट प्लेटफॉर्म कैसे बन रहा है, पहले लो टाइड ने कितना पोर्शन को इरोड किया, फिर हाई टाइड आई, फिर उसका जो नॉर्च था उस नॉर्च एरिया को भी इरोड कर दिया और एक लेयर की फॉर्म में बना ली, तो ये चीजें आपको समझने की जरूरत है, ठीक है। अब हम बात करते हैं आगे की तरफ, आगे हमारा आता है केव, आर्क, स्टैक और स्टैम्प, ये होता क्या है, समझने की कोशिश करना, कुछ नहीं होता, यहां पर आ जाइए। एक सिंपल सी इस फिगर के थ्रू ये चारों कंसेप्ट समझा दूंगा मैं, कुछ समझने की, कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है। ये मेरी रॉक है, ये मेरी रॉक है, समझने की कोशिश करना, यहां पर वेव्स हिट कर रही है बार बार, रॉक के ऊपर वेव्स हिट कर रही है, तो वेव्स क्या करेगी, हिट कर करके यहाँ पर एक केव बना देगी, और जो केव बनाएगी ना, उसका जो पीछे वाला एरिया होगा वो क्लोज्ड होगा, वो क्लोज्ड होगा। आपने देखा होगा मलेशिया, थाईलैंड, इधर की तरफ आपने, कि जो कोस्टल एरियाज होते हैं सी के अंदर केव्स बनी होती हैं, इस तरह वेव्स आई वो इरोड कर करके केव्स बना देंगी, और पीछे का एरिया अभी भी क्लोज्ड है, पीछे का एरिया अभी भी क्लोज्ड है। फिर क्या हुआ, और वेव्स ने और इरोजनल इफेक्ट डाल करती रही, और इरोड करती रही, तो क्या होगा, जो पीछे का एरिया है ना, ये भी इसका अलग हो जाएगा, पीछे का जो एरिया है केव का, ये पीछे का वो भी अलग हो जाएगा, और वो इस शेप में आ जाएगी। अब वो एक आर्क बन जाएगा, क्या बन जाएगा, आर्क बन जाएगा, इसका जो पीछे का एरिया है वो भी आपका, आपका क्या हो जाएगा, इरोड हो जाएगा, और जब पीछे का एरिया इरोड हो जाएगा, आपका वाटर दोनों तरफ आपका आर पार होने लगेगा, तो उसमें आर्क हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद क्या होगा, ये तो बनी मेरी केव, ये तो बनी मेरी केव, ठीक है, और केव के जो पीछे का एरिया है वो भी क्या हो गया, इरोड हो गया, तो वो बन गया आर्क, सिर्फ टॉप टॉप बचा, और जब ये आर्क है ना, ऊपर की जो इसकी छत है, ये आर्क भी इरोड हो गई, ये आर्क भी इरोड हो गई, ये वाला एरिया, और सिर्फ यहां पर दो ये पोल बने बीच में, इसे हम कहेंगे स्टैग, स्टैग, और जब ये स्टैग है, इसकी हाइट कम हो के आपकी लो टाइड वाले लेवल पे आ जाए, तो उसे कहेंगे स्टैम, तो उसे कहेंगे स्टैम। समझ में आ गया?
व्हाट इज द मेन डिफरेंस बिटवीन केव, आर्क, स्टैक और स्टेम। जब भी हमारा यहां से वाटर आया, इस रॉक को हिट किया तो एक केव की शेप बना ली, उसके बाद और हिट करता रहा है करता रहा, इसके पीछे का जो एरिया था वो भी आपका रिमूव हो गया, अब आर्क बचा। अब ऊपर का ये टॉप है ना, ये टॉप भी रिमूव हो गया, इस तरह के दो पिलर बचे, उन्हें स्टैक कहेंगे। और जब इन पिलर की भी हाइट कम हो जाएगी इरोजन होके, उन्हें स्टैम कहेंगे, जिसकी हाइट लो लाइंग एरिया तक आ जाएगी। ये देखिए, ये रहा, ये इस तरह के फीचर्स देखे हैं आपने। यहां पर ये क्या हुआ, केव बन गई, गुफा टाइप में बन गई। फिर क्या हुआ, पीछे का एरिया इरोड हो गया, अब वाटर क्या हो रहा है आपका ट्रांसफर हो रहा है दोनों तरफ, तो ये आर्क बन गया। फिर ये ऊपर का जो आर्क है ये भी रिमूव हो गया, तो क्या बन गया, स्टैक बन गया। और जब इसका लेवल एक लो टाइड लेवल से नीचे आ जाता है, उसे स्टैम्प कहते हैं। क्लियर है गाइस, बताइए, यही चीज गिवन है आपकी, और कुछ गिवन नहीं है जीसी लियोंग में। चाहे तो आप देख लीजिए, बुकिश लैंग्वेज देख लीजिए। प्रोलॉन्ग्ड वेव्स अटैक ऑन द बेस ऑफ द क्लिफ एंड मेक अ होल्स एंड लोकल वीकनेस कॉल्ड केव्स। उसे क्या कहा जाता है, केव्स कहा जाता है, जब हमारा यहाँ पर ये क्रिएट कर दिया। ओके, व्हेन टू केव्स अप्रोच ईच अदर फ्रॉम हेडलैंड फॉर्म एन आर्क, तो क्या होगा, आपका आर्क बन जाएगा। जब आपकी केव का ऊपर का जो बीच का एरिया है वो रिमूव हो जाएगा, उसके बाद क्या होगा, जब फर्दर इरोजन होगा तो जो आर्क है उसका भी कोलैप्स हो जाएगा, और जब उसका कोलैप्स हो जाएगा तो आपका बनेगा स्टैंक, और जब स्टैंक भी आपका ग्रेजुअली धीरे धीरे इरोड होगा तो बन जाएगा स्टैम्प्स, जो कि आपका अबव द सी लेवल तो आपका विजिबल होगा, पर लो टाइड से नीचे का एरिया होगा जो आपका स्टैम्प है। क्लियर है, स्टैम्प क्या है आपका, लो लाइंग एरिया से नीचे होगा। क्लियर हुआ गाइस?